चलो बच्चों, तो आज हम लोग साइंस में सेकंड चैप्टर कंटिन्यू करें, जो चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो, दोस्त और दुश्मन। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कल हमने समझा था इसके बारे में कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो कहलाते हैं कि जो ऐसे लिविंग थिंग्स कि जिसे हम लोग नॉर्मल आँखों से, नेकेड आई से नहीं देख पाते, खुली आंखों से नहीं देख पाते उसे, कि उसके लिए स्पेशल माइक्रोस्कोप की ज़रूर होती है। ऐसे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स वो हमें फ़ायदा भी देते हैं और नुकसान भी करते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स कैसे हमें फ़ायदा देते हैं वो कल हमने समझा था, आज उसका नुकसान हमें समझना है कि ये कैसे हमें हार्म करते हैं। तो आज का पॉइंट है हमारा हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स कैसे हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो बहुत तरह से इनका नुकसान होता है हमें। ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स वो एनिमल्स में, ह्यूमंस में, प्लांट्स में, इन सब में बीमारियां फैलाते हैं, है ना, डिसेज़ फैलाते हैं ये। तो ये जो डिसेज़ फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं ना, उन्हें हम लोग कहते हैं पैथोजेंस। नाम सुनना कि जो डिसेज़ फैलाने वाले जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं ना, वो कहलाते हैं पैथोजन। ये हर एक में, हर लिविंग थिंग में डिसीज़ फैलाते हैं, और जो नॉन लिविंग थिंग है तो नॉन लिविंग थिंग को ख़राब करते हैं, जैसे कि खाने को ख़राब करते हैं, इवन कि कपड़ों को, कुछ जो लेदर की चीज़ें हों उनको, उन सबको भी बहुत ये ख़राब करते हैं। तो हम लोग एक एक करके समझे कि कैसे ये हमें नुकसान पहुँचाते हैं। तो देखो, आपके इसमें ये मेन फोर पॉइंट्स हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म कैसे नुकसान पहुँचाते हैं। तो डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स इन एनिमल्स, एनिमल्स में ये बीमारियाँ फैलाते हैं, देन ह्यूमंस, देन प्लांट्स, है ना, इंसानों में, प्लांट्स में ये बीमारियाँ फैलाते हैं, और आखिरी में फूड पॉइजनिंग, मतलब कि खाने को जहरीला बनाते हैं, खाने को ख़राब करते हैं ये, है कि नहीं सही बात। तो देखो, सबसे पहले एनिमल्स के बारे में देखें, तो ह्यूमंस और प्लांट्स के अलावा एनिमल्स में भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे कि कैटल्स होते हैं ना, गाय भैंस वगैरह अगर कहो, जो कैटल्स होते हैं उनमें एंथ्रेक्स नाम की बीमारी इन माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की वजह से होती है, जो बैक्टीरिया फैलाते हैं। इसके अलावा ऐसे ही कैटल्स में फूट माउथ डिसीज़, ये सब वायरस की वजह से होते हैं। वायरस की वजह से ये बीमारियाँ एनिमल्स में फैलती है, फूट है, माउथ डिसीज़ है, तो एनिमल्स को ये बहुत नुकसान पहुँचाते हैं। देखो, जो ह्यूमंस होते हैं ना भाई, हम जैसे ह्यूमंस हुए कि हमें अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हम लोग कैसे कि बोल कर बता सकते हैं कि हमें हमें बुखार लग रहा है या फिर सर्दी लग रही है। लेकिन जो एनिमल्स, वो एनिमल्स कैसे बताएंगे कि उन्हें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो कैसे बता सकते हैं, नहीं बता पाते ना, इसलिए उनमें ये बीमारियां ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो जाती हैं, उनमें ऐसी बीमारियां ढूंढना काफ़ी मुश्किल होती हैं, और इनकी वजह से ही ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स एनिमल्स को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। एनिमल्स के साथ साथ ह्यूमंस में भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं, काफ़ी बीमारियां फैलाते हैं। कैसी बीमारियां? तो आपकी टेक्स्ट बुक में एक टेबल बना हुआ है, एक टेबल यहाँ पर समझाया हुआ है आपकी टेक्स्ट बुक में, कि जिसमें ह्यूमन डिसीजेज लिखे हुए हैं, कि बीमारियाँ लिखी हुई हैं, किसकी वजह से बीमारियाँ होती हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन लिखा हुआ है, किससे ये बीमारियाँ फैलती हैं और उसके लिए क्या करना चाहिए। जैसे देखो, जनरली यहाँ लिखा हुआ है ट्यूबरक्यूलोसिस, मतलब टीबी की बीमारी, वो बैक्टीरिया की वजह से आती है, बैक्टीरिया और एयर से, हवा से ये बीमारी फैलती है। मीसल्स की बीमारी वायरस की वजह से आती है, ये भी एयर से फैलती है। चिकन पॉक्स, तो चिकन पॉक्स की बीमारी, ये भी वायरस की वजह से होती है, ये एयर से या तो दूसरों के कांटेक्ट में आने से, दूसरों के कांटेक्ट में आने से ये बीमारियां फैलती हैं। पोलियो है, तो पोलियो की बीमारी वायरस से और एयर से या तो वाटर से ये फैलती है। तो ये सब ह्यूमंस की डिसीज है ना, इंसानों को ये बीमारियाँ लगती है, किन की वजह से? तो इन माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की वजह से। इन बीमारियों के लिए क्या करना चाहिए? तो जितना हो सके कि इस बीमारी के लिए पेशेंट को जो है वो एकदम आइसोलेशन में रख देना चाहिए। आइसोलेशन मतलब अलग कर देना चाहिए, उसकी हर एक चीज़ कोई भी दूसरा यूज़ ना करे, ये ध्यान रखना चाहिए। जैसे उसके खाने के बर्तन अलग, उसके जो है वो ये जो
टॉवेल वगैरह जो वो लोग जो यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ें अलग, तो दूसरों से अलग करना चाहिए कि जिससे ये बीमारियां दूसरों में ना फैले। इसके अलावा दूसरी बीमारी है जैसे कि कॉलेरा। कॉलेरा की बीमारी बैक्टीरिया की वजह से आती है और ये बीमारी खाने से या तो पानी से फैलती है ना, वाटर या फूड से। फिर टाइफॉइड की बीमारी, टाइफॉइड की बीमारी ये भी बैक्टीरिया की वजह से आती है और ये वाटर से, पानी से ये फैलती है। और इन बीमारियों में क्या करना चाहिए, कॉलेरा या टाइफॉइड जैसे हो जाए तो इसके लिए जितना हो सके अपनी पर्सनल हाइजीन रखनी चाहिए। पर्सनल हाइजीन और अच्छी सैनिटरी हैबिट्स होनी चाहिए, मतलब साफ़ सफाई जितनी हो सके उतनी ज़्यादा रखनी चाहिए। अपनी केयर खुद रखनी चाहिए, जितना हो सके वो बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए। खाना जो है वो बनाते वक्त प्रॉपरली पहले उसे धोकर, सब्जियां वगैरह धोकर फिर जो है वो खाना बनाना चाहिए, और इसकी जो प्रॉपर वैक्सीनेशन हो वो वैक्सीनेशन लेनी चाहिए। सही बात है ना। फिर जैसे दूसरी बीमारी है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी ये भी वायरस की वजह से होते हैं और ये वाटर, पानी ये फैलाता है। और इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, तो जितना हो सके बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर हमें लेना चाहिए और इसकी वैक्सीनेशन लेनी चाहिए। कल हमने वैक्सीनेशन के बारे में समझा था ना, ऐसी दवाई जो एक बार अगर आप वो दवाई लो तो फिर उसमें फिर कभी भी आपको वो बीमारी ना हो, ऐसी दवाइयाँ पहले ही दे दी जाती है, तो ऐसी वैक्सीनेशन इसकी लेनी चाहिए। देन मलेरिया। तो मलेरिया के लिए, तो मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ की वजह से फैलता है और ये मॉस्किटो फैलाता है। मॉस्किटो ये बीमारी फैलाता है उसमें। मॉस्किटो में जनरली पता है वो फीमेल एनाफिलिस नाम का मॉस्किटो होता है जो ये मलेरिया फैलाता है सबसे ज़्यादा। कौन? फीमेल एनाफिलिस जैसे मॉस्किटोस। तो ये मॉस्किटोज से बचने के लिए क्या करना चाहिए, इनकी वजह से मलेरिया सबसे ज़्यादा फैलता है, नाम फिर से ध्यान रखना, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, ये मलेरिया फैलाते हैं। और इनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए, तो जितना हो सके आपके घर के आसपास ये मक्खी मच्छर वगैरह जमा न हो उसका ध्यान रखना चाहिए। उसके लिए घर के आसपास इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स वगैरह डालना चाहिए। बारिश का मौसम होता है ना, तो घर के आसपास सब जो है वो पानी पानी भर जाता है, तो उस पानी को वहाँ से जितना हो सके जल्दी निकाल देना चाहिए, नहीं तो वो भरा हुआ पानी वहाँ पर बीमारियाँ फैलाता है फिर। सही बात कि नहीं? देखो अब ह्यूमंस में जो ये डिसीज आते हैं ना, ये तो हमने नाम पढ़े, अब ध्यान से सुनना दूसरी बात है कि ह्यूमंस में जो डिसीज होते हैं ना, ये डिसीज जनरली दो टाइप की होती है। यहाँ जितने भी नाम पढ़े उनमें से पता चलता है कि डिसीज दो टाइप की होती है। एक डिसीज होती है कि जो एक से दूसरे में फैलती है ना, एक बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो एक से दूसरे में फैलती है। इन बीमारियों को हम लोग कॉम्युनिकेबल डिसीज कहते हैं। कौन से डिसीज? कॉम्युनिकेबल डिसीज, जैसे कि टीबी है, मीसल्स है, जो आपने पहले बॉक्स में जो नाम पढ़ रहे हो ना, टीबी, मीसल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, तो ये बीमारी एक से दूसरे में फैलती है। नॉर्मल सर्दी खांसी हो तो आप लोगों को ध्यान है कि आप लोगों को जब सर्दी आती है तो हमेशा आप लोगों को कहते हैं कि भाई मुंह पर रुमाल वगैरह रखना चाहिए सर्दी और खांसी के लिए। हम लोग अगर नहीं रखते तो वो सर्दी खांसी खांसी करते वक्त, छींकते वक्त सीधा जो है वो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे मुंह और नाक से निकल कर सामने वाले के पास चले जाते हैं और ये बीमारी भी सामने वाले को चली जाती है। फिर होता है ना ऐसा, तो इसीलिए जितना हो सके हमें ये बीमारियाँ बढ़ने से रोकनी चाहिए। खांसते वक्त, छींकते वक्त मुंह पर रुमाल रखो, जितना हो सके अपनी चीज़ें सबसे अलग रखो, जब बीमारी हो तो अपनी चीज़ें सबसे अलग रखो, कोई एक दूसरे की चीज़ें यूज़ ना करो। टॉवेल होते हैं, रुमाल हुआ या फिर जो है वो बर्तन वगैरह हुए, सब चीज़ें खुद दूसरों से अलग रखो उसमें। सही बात है। तो ऐसी चीज़ें या ऐसी बीमारियाँ होती हैं वो कॉम्युनिकेबल डिसीज कहलाई, और कुछ जो नॉर्मल बीमारियाँ होती है वो नॉन कॉम्युनिकेबल कहलाती है। नॉन कॉम्युनिकेबल मीन्स जो एक से दूसरे में नहीं फैलती, जैसे कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बीमारी, हार्ट अटैक की बीमारी, तो ये ऐसी कोई प्रॉब्लम हो ये एक से दूसरे में फैलती है क्या? नहीं फैलती ना, ये नॉन कॉम्युनिकेबल कहते हैं। हम लोग यहाँ पे कॉम्युनिकेबल डिसीज के बारे में ही पढ़ रहे हैं,
जो दूसरों में ये बीमारियां फैलती हो वैसी, ये बीमारियां जो जो भी चीज है, ये बीमारियां जो दूसरों में फैलाते हैं ना, तो उन्हें उन डिसीज के कैरियर कहते हैं। सुनना है दूसरी भी बात कि ये क्या कहलाते हैं, डिसीज के कैरियर कहलाते हैं। कैरियर मतलब वो कि जो ये बीमारियां जल्दी से एक से दूसरे में फैलाते हैं। जो आप लोग ये थर्ड लाइन में देख रहे हो ना, ये सब जो लिखा हुआ है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन में ये सब वो जनरली उनके कैरियर कहला है। या दूसरे अगर आप लोग कहो कि भाई ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या तो फिर कुछ मक्खी मच्छर, ये सब भी कैरियर होते हैं। जैसे आपको पता है ना कि आप लोग जब खाना वगैरह अगर खाते हो, तो बाय चांस आपने जो है वो उस खाने को ढककर न रखा हो, खाने को अगर ढककर न रखा हो तो बाहर से अगर कोई मक्खियां हो, वो मक्खियां बाहर कचरे पर बैठकर आई हो, फिर वो उड़ते उड़ते यहाँ पर आएगी, घर में घूमेगी और घर में फिर जो है वो खाने पर बैठेगी। तो बाहर से कचरे पे बैठी हुई वो मक्खियाँ उड़कर फिर घर पे खाने पे आकर बैठेगी, तो क्या हुआ कि बाहर से वो बीमारी वो कचरा फिर हमारे खाने में भी आया ना। इतनी छोटी मक्खी, इतने छोटे जो है ये फ्लाइज, भले हमें पता भी नहीं चलता कि इनमें कुछ खराबी है या नहीं है, लेकिन लेकिन ये बीमारियां फैलाते हैं ना। जो आपने मलेरिया के बारे में सुना ना आखिरी में, मलेरिया जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो की वजह से होता है, तो ये जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटोज हैं, ये ऐसा ही तो है कि भाई बाहर से जो है ये हमेशा कचरे में आकर ये बैठते हैं और फिर हमारे ऊपर बैठकर अगर हमें वो काटे तो वो बीमारी हमारे अंदर जाती है, जिनसे ये मलेरिया की बीमारी होती है। इसलिए तो आपको कहते हैं ना कि हमेशा जितना हो सके आपके आसपास की सभी चीज़ें साफ रखो, हमेशा साफ सफाई रखो, जितनी हो सके उतनी साफ सफाई रखो। खाना बनाते वक्त भी पहले उसे अच्छी तरह से जो सब्जियां फ्रूट्स वगैरह धोकर फिर खाना चाहिए, खाना बनाते वक्त पहले उसे बॉईल करके फिर बनाना चाहिए, पानी भी हमेशा बॉईल किया हुआ पीना चाहिए, बारिश के मौसम में तो खास। जितना हो सके आसपास मक्खी मच्छर न जमा होने दो, खाना हमेशा ढक कर रखो। सही बात क्या, नहीं इतनी छोटी छोटी केयर अगर की जाए ना, तो आपने जो ये बीमारी का ये पूरा बॉक्स देखा ना कि इतनी सारी बीमारियां होती हैं, वो बीमारियों से आप लोग बच पाओगे, है कि नहीं। खुद केयर रखें तो आप लोग बच पाओगे ना। देखो ये ह्यूमंस के हमने डिसीज देखे, उसके बाद हमने ये पॉइंट में देखा था कि भाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से प्लांट में भी डिसीज होते हैं, होते हैं कि नहीं, प्लांट में भी डिसीज ये होते हैं। तो हम लोग कुछ प्लांट के डिसीज देखेंगे। अब प्लांट में ना वीट, फिर जो है वो पोटेटो, शुगर कैन, एप्पल्स, ऐसे कितने भी प्लांट या हर तरह के जैसे प्लांट्स हुए, तो उनमें भी ये बीमारियां इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उन प्लांट्स में बीमारियां फैलाते हैं और बीमारियां फैलाने के साथ साथ उन क्रॉप्स का प्रोडक्शन फिर कम हो जाता है। सही बात है ना, फिर उनमें अगर प्लांट्स में बीमारी हो गई तो उनकी जितनी ग्रोथ होनी चाहिए उतनी ग्रोथ नहीं होती ना, बराबर। लेकिन हाँ, उनमें भी ये जो इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स हैं, जो कुछ दवाइयाँ आती हैं, वो दवाइयाँ अगर एग्रीकल्चर के वक्त, फार्मिंग के वक्त वो दवाइयाँ अगर उस पर डाली जाए ना, तो इस बीमारियों से बच सकते हैं। प्लांट्स की भी इन बीमारियों से बचा जा सकता है। तो देखो, हम लोग आपके टेक्स्ट बुक में एक और टेबल दिया हुआ है कि जिसमें समझे प्लांट्स में कौन कौन सी बीमारियाँ और किसकी वजह से होती है। कि जैसे कि एक बीमारी है, वो है साइट्रस कैंकर। साइट्रस कैंकर, ये साइट्रस कैंकर जनरली जो भी खट्टे फ्रूट आते हैं ना, जैसे कि भाई ऑरेंज है, लेमन है, उनमें ये बीमारियाँ होती है, ये साइट्रस कैंकर। ये किसकी वजह से, तो बैक्टीरिया की वजह से ये फैलते हैं, बैक्टीरिया की वजह से बीमारी होती है और हवा के थ्रू ये बीमारियां फैलती हैं, बरोबर। फिर रस्ट ऑफ वीट, रस्ट ऑफ वीट मतलब ये वीट में ये बीमारी होती है, ये किसकी वजह से, तो फंगीज की वजह से, या तो फंगस की वजह से ये बीमारी फैलती है। ये बीमारियां एयर के थ्रू या तो सीड्स के थ्रू फैलती है, कोई एक सीड अगर खराब हो ना, तो उसके साथ फिर दूसरे सीड्स भी खराब होने लगते हैं। ये बीमारियां उनकी वजह से आती है। आपको ये फोटो दिया हुआ है कि जैसे वीट का प्लांट होता है ना, उसके ऊपर ऐसे छोटे 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 डॉट हो जाते हैं, ठीक है, ये जैसे फंगस लग जाते हैं, खराब हो जाते हैं उनके प्लांट्स। या फिर येलो वेइन मोसेक ऑफ भिंडी, येलो वेइन मोसेक ऑफ भिंडी, भिंडी मीन्स ओकरा,
तो ये क्या कहते हैं, ये बीमारी किसकी वजह से? तो वायरस की वजह से फैलती है। और ये किन कौन फैलाते हैं? तो छोटे छोटे इंसेक्ट फैलाते हैं ये बीमारी, है कि नहीं? तो प्लांट्स में भी ऐसी बीमारियां फैलती हैं ना। और इन बीमारियों का इलाज वो कैसे? तो इन प्लांट्स में भी इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स ऐड किया जाता है कि जिससे इस बीमारी से बचा जा सके, बरोबर है? और प्लांट्स के बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे जो हमारे लिए हार्मफुल है ना, वो किसके लिए? तो फूड पॉइजनिंग के लिए। किसके लिए? फूड पॉइजनिंग। मतलब फूड पॉइजनिंग मतलब कि भाई फूड का खराब हो जाना। जो ये छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो फूड के ऊपर एक तरह का फंगस जमा कर देते हैं। फंगस का मतलब कि भाई उन्हें उनके ऊपर एक तरह के जैसे अलग से लेयर बन जाते हैं। आप जैसे फोटो में देख रहे हो, कोई ब्रेड का टुकड़ा हो, कोई फ्रूट हो, तो उसके ऊपर आपने देखा होगा ना ऐसे ग्रीन कलर का, ब्राउन कलर के, ऐसे जो है भाई फंगस जमा हो जाती है। जो जो अगर आपके घर में रोटी बनाई हो, उसे 2-3 दिन तक रख दो, तो उसके ऊपर वाइट वाइट कलर का कॉटन की तरह फंगस जमा हो जाएगा। तो ये फंगस वो उस फूड को पॉइजनस बनाता है, जहरीला बना देता है ना, या उसे खराब कर देता है। और ऐसी चीज जो है वो आप लोग अगर खा लो, गलती से भी अगर खा लो, तो फिर वो आप में आपके पेट में बहुत नुकसान करेगा। कितनी बार आपने वो सुना होगा कि भाई घर पर जैसे होता है ना, कि घर पर आपने एक दिन पुराना भी अगर खाना खाया हो ना, तो आप लोग आपको पेट में दर्द होने लगता है, या शायद उल्टियाँ वगैरह होने लगती है, लूज मोशन होने लगते हैं, होता है कि नहीं? ये किसकी वजह से होता है? मेनली कि आपने कुछ खराब खाना खाया हो। कितनी बार तो पता भी नहीं होता, आप बाहर से कोई फ्रूट या सब्जी लेकर आते हो, वो बाहर से दिखने में भले ही सही हो, लेकिन अंदर से अगर वो सड़ा हुआ हो तो हमें पता ही नहीं होता। गलती से अगर हम खा लें या सब्जी में डाल दें, तो फिर वो हमें नुकसान पहुंचाएगा ना, है कि नहीं? तो ये भी छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ना, इन फूड को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो फिर इनकी केयर के लिए भी तो कुछ करना चाहिए ना। इस खाने को इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कैसे बचाया जाए, इसकी केयर के लिए क्या किया जाए? तो इनकी केयर के लिए आपकी टेक्स्ट बुक में कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, जो हमारा टॉपिक है फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन मतलब कि खाने को संभालना, बरोबर? कि देखो, आप लोगों ने पता है फर्स्ट चैप्टर जब देखा था ना, तो उसमें ग्रेन्स को, जो एग्रीकल्चर में ग्रेन्स तैयार होते हैं, उनको कैसे संभाला जाता है, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स देखे थे, बरोबर? लेकिन वो तो फार्मर संभालते हैं, आपके घर का जो खाना हो वो खाना आप लोग कैसे संभाल सकते हो? घर का खाना आप लोग जो है वो ये कैसे संभालोगे? पता है घर में सबसे पहली बात तो ये कि खाना क्यों खराब होता है, पता है? ज्यादातर अगर आप लोग को उस खाने को खुला रखो तो, है कि नहीं, कि अगर खुला रख दो ना, तो 1-2 दिन के बाद वो खाना खराब हो जाता है, उसमें से गंदी बांस आने लगती है, उसका स्वाद भी खराब हो जाता है, इवन कितनी बार उसका कलर भी चेंज हो जाता है कि नहीं? ये क्यों होता है? तो ये भी किसकी वजह से? इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो जैसे उस फूड में एक तरह का केमिकल रिएक्शन करते हैं। जैसे आप कोई बाहर से फ्रूट लेकर आए, मैंगो का सीजन चल रहा हो, तो आप लोग बाहर से मैंगो लेकर आए, लेकिन वो मैंगो जो है वो लेकर तो है, लेकिन 2-3 दिन तक किसी ने खाई नहीं, भाई पड़ी थी वहीं पर, बाहर ही पड़ी थी। 2-3 दिन बाद देखा ना, तो वो मैंगो बिल्कुल खराब हो चुकी थी। बिल्कुल खराब हो चुकी थी। तो वो किसकी वजह से? क्योंकि छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो दिखाई भी नहीं देते, वो उस मैंगो में अलग सा रिएक्शन करते हैं, जिनकी वजह से जैसे वो पूरा खराब हो गया। लेकिन कभी ये देखा है कि ये मैंगो आप जो लेकर आए हो वो 2-3 दिन में खराब हो गया, लेकिन उसी मैंगो की जब आप अचार लेकर आते हो ना, पिकल लेकर आते हो, है ना, आम का अचार जब आप लोग लेके आते हो, तो वो अचार तो सालों साल चल जाता है, साल में भी खराब नहीं होता। तो ऐसा क्यों? ये फर्क क्यों है? ये फर्क ही है कि कुछ ऐसी रिएक्शंस या कुछ ऐसी मेथड्स होती हैं कि जिनकी वजह से इस फूड को आप लोग काफी टाइम तक प्रिजर्व कर सकते हो, संभाल सकते हो। तो कौन से फूड को कैसे संभाला जा सकता है, वो आपके यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं।
जैसे देखो, फूड प्रिजर्वेशन में सबसे पहला पॉइंट आता है, वो आता है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड मतलब कि इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फूड को बचाना हो ना, तो उसके लिए सिंपल कुछ नॉर्मल केमिकल्स यूज़ होते हैं। उन केमिकल्स में भी कोई हैवी नहीं है, नॉर्मल केमिकल्स जैसे कि सॉल्ट होता है या कुछ खाने का तेल हुआ, वो यूज़ होता है कि नहीं? इन जो केमिकल्स, ये जो केमिकल्स यूज़ होते हैं ना, ये केमिकल्स एक तरह से प्रिजर्वेटिव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये प्रिजर्वेटिव। पता है, जब वो पिकल बनाए जाते हैं, मतलब अचार जब बनाया जाता है, तो अचार में ना ज़्यादातर तेल डाला जाता है, तेल या तो दूसरे कुछ प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं, दूसरे कुछ ऐसे केमिकल्स डालते हैं कि जिनकी वजह से वो अचार में कभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं पड़ते, मतलब कभी भी वो अचार ख़राब नहीं होती और सालों तक वो अचार चलती है कि नहीं? जैसे कि कुछ नॉर्मल प्रिजर्वेटिव्स के नेम हैं, ध्यान से सुनना, जैसे कि सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ये कॉमन प्रिजर्वेटिव्स हैं। ये प्रिजर्वेटिव्स वो खाने को ख़राब होने से अटकाते हैं, पिकल में ही डाले जाते हैं। इसके अलावा आपको पता है, वो फ्रूट जैम खाते हो आप, ब्रेड के ऊपर जैम लगाकर आप लोग खाते हो, तो वो जैम भी तो सालों साल चलती है ना, ख़राब नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भी ऐसे प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं। या कितनी बार जो है वो, ये कुछ फ्रूट जूस होते हैं आप लोगों को, वो बॉटल में मिलते हैं, मैंगो के जूस बॉटल में पैक मिलते हैं। आप लोग घर पे मैंगो जूस बनाओ, आप लोगों को भी पता है, घर पे आप लोगों ने मैंगो जूस बना, आम का रस बनाया हो, ये आम का रस आप लोग 2 दिन ना पियो ना तो ख़राब हो जाता है, होता है कि नहीं? घर पे बनाया हुआ आम का रस 2 दिन में ख़राब हो जाता है पूरा। लेकिन वही आम का रस जब आप बाहर से बॉटल में लेकर आते हो, बॉटल में फ्रीज, उन्हें माजा पीते हो या दूसरा फ्रूटी पीते हो, ये आम के रस जैसा ही हुआ ना, तो ये आम का रस वो तो सालों साल वहां पर पड़ा हुआ होता है, महीनों भी वहां पर पड़ा हुआ होता है कि नहीं? फिर भी वो तो खराब नहीं होता। क्यों खराब नहीं होता? क्योंकि उनमें ऐसे केमिकल्स, ऐसे प्रिजर्वेटिव डालते हैं कि जिसकी वजह से वो काफी टाइम तक खराब ना हो। समझ रहे हो ना बात को? इनके बाद दूसरा प्रिजर्वेशन का एक टाइप आता है, वो आता है प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट मतलब नॉर्मल जो नमक आप लोग खाते हो, ये नमक वो भी एक तरह का प्रिजर्वेटिव है, खाने को खराब होने से बचाने से ये भी काम आता है। लेकिन ये कौन सा खाना पता है? जो जो कोई भी मीट वगैरह हो, मीट होता है, फिश होती है, कि उन्हें अगर खराब होने से बचाना हो ना, तो उसके ऊपर पूरा नमक लगाकर रख देते हैं। फिशेस होती है ना जो खाने में यूज करते हैं, तो उनके ऊपर पूरा नमक लगा कर रख दिया जाता है कि जिससे कुछ दिनों तक वो खराब ना हो, सड़े नहीं। मीट वगैरह को भी इसी तरह से रख देते हैं। या इवन इवन घर में यूज होने वाली, जैसे वो कच्ची कैरी होती है, होता है कि नहीं? या फिर जो वो आप आंवड़ा खाते हो ना, है ना, खाते हो कि नहीं? वो खट्टे आंवले जो आप लोग खाते हो, तो वो आंवला उसे भी अगर खराब होने से बचाना हो ना, तो उसके ऊपर सॉल्ट डालकर रख देते हैं, को जिससे काफी टाइम तक वो खराब नहीं होते। तो इसलिए कॉमन सॉल्ट ये भी एक तरह का प्रिजर्वेटिव है। दूसरा शुगर, के शुगर की मदद से भी, जो थर्ड पॉइंट है प्रिजर्वेशन बाय शुगर, शुगर की मदद से भी हम लोग इस खाने को खराब होने से रोक सकते हैं। जैसे ये यूज होते हैं जनरली, जो जैम बनता है, फ्रूट जैम, जेली होती है, या जैसे फ्रूट जूस हुआ, मैंने अभी आपको बताया ना, ये जैसे मैंगो का जूस होता है, तो इन सब में शुगर का प्रपोर्शन थोड़ा ज़्यादा डाला जाता है। ये शुगर क्या काम करता है? तो ये शुगर उसमें मॉइस्चर कम करता है, मॉइस्चर का प्रपोर्शन कम करता है, जिसकी वजह से जो बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं ना, उनकी ग्रोथ अटक जाती है, बैक्टीरियाज पैदा नहीं होते फिर इनकी वजह से, तो ये भी काम आता है ना। दूसरा आता है प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। ऑयल एंड विनेगर, विनेगर आपको पता है ना, कि जो वो खट्टा जैसा आता है, और जनरली वो चाइनीज़ वगैरह आप लोग खाते हो, तो उसमें ये डलता है विनेगर या नॉर्मल ऑयल, ये भी प्रिजर्वेशन करता है, ये भी खाने को ख़राब होने से बचाता है। जो हमने आगे देखा कि जनरली जो पिकल बनाते हैं, जो अचार बनाते हैं, तो उसमें ये ऑयल या विनेगर डालते हैं, वो काम आता है।
क्योंकि इनकी वजह से अगर बैक्टीरियाज उसमें आए भी ना तो वो ख़त्म हो जाते हैं, बैक्टीरियाज बढ़ते नहीं हैं। ऑयल और विनेगर की वजह से अगर उस खाने में बैक्टीरियाज पड़े भी ना तो वो उसी वक्त ख़त्म हो जाते हैं, सही बात है ना। या फिर कुछ सब्जियां, फ्रूट, फिशेस, या फिर जो मीट होता है उसको भी बचाने के लिए कितनी बार ऑयल या विनेगर डाला जाता है उसमें कि वो लंबे समय तक टिके रहे, मतलब ख़राब ना हो, वो खाना सड़ ना जाए, इसके लिए ये डालते हैं। दूसरा आता है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट ये भी एक जो है वो ट्रीटमेंट है। हीट एंड कोल्ड मतलब जो है वो गर्म और ठंडी करना, गर्म करना, ठंडा करना। आप लोगों ने वो देखा होगा ना कि भाई आपके घर में जब जो है वो ये दूध आता है ना, दूध वाला आपको दूध देकर जाता होगा, यहाँ बाहर से लेकर आते होगे, तो वो दूध घर में लाकर सबसे पहले उसे जो है वो आप लोग गर्म करते हो। दूध को गर्म किया जाता है कि नहीं? वो दूध को गर्म करने से उसके अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना वो सबसे पहले ख़त्म हो जाते हैं, और उसके बाद वो गर्म करने के बाद थोड़ी देर के बाद वो दूध आप लोग रेफ्रिजरेटर में रख देते हो, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में रखने से वो अंदर जो ठंडक मिलती है उसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैदा ही नहीं होते। तो ये एक तरह की हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट कहलाए, गर्म और ठंडा। पहले उसे गर्म करना जिससे सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ख़त्म हो जाए, फिर उसे ठंडा रेफ्रिजरेटर में रख देना जिससे फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैदा ही ना हो। तो नॉर्मल खाने को इस तरह से संभाला जाता है ना। आप लोग जब घर पे खाना भी बनाते हो तो वो खाना आप लोगों ने देखा होगा कि भाई पहले गर्म जो खाना होता है तो वो खाना हेल्दी होता है, उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते। फिर वो खाना अगर रखना भी हो ना तो आप लोग रेफ्रिजरेटर में रख देते हो, ठंडी जगह पर उसे रख देते हो कि जिसकी वजह से ठंडक में अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैदा ना हो, सही बात है। के जो कुछ कुछ पता है, कुछ ऐसे मिल्क भी होते हैं कि जिसे पेस्चुराइज्ड मिल्क कहते हैं, पेस्चुराइज्ड मिल्क। ये मिल्क होते हैं ना उसे आप बॉईल नहीं करते, उसे डायरेक्ट पीते हो, आता है कि नहीं? कुछ पैकेट पैकेट में आप लोगों ने देखा होगा मिल्क के पैकेट मिलते हैं, उसे फिर बॉईल नहीं करते, डायरेक्ट पी लिया जाता है। क्यों बताएं? वो कैसे तैयार करते हैं? तो ऐसे जो मिल्क होता है ना उसे पहले अच्छी तरह से गर्म करते हैं, और गर्म करने के बाद उसे फिर एकदम ठंडा करके और पैकेट्स में भर दिया जाता है। पहले गर्म किया जाता है कि जिससे सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाए, और फिर उसे ठंडा करके पैकेट्स में भर देते हैं। ये मिल्क वो पेस्चुराइज्ड मिल्क कहलाता है, और इस मिल्क को फिर आप लोग डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। आप लोगों ने बाहर जो पैकेट में मिल्क देखा होगा वो वैसा ही होता है। इस मेथड को भी पेस्चुराइजेशन मेथड कहते हैं, ठीक है। और दूसरा आता है, वो आता है स्टोरेज एंड पैकिंग मेथड। फूड प्रिजर्वेशन में लास्ट आता है स्टोरेज एंड पैकिंग मेथड। आप लोगों ने वो देखा होगा कि आज के टाइम में है ना कुछ जो वेजिटेबल्स होते हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं, उन्हें ना एकदम पैक करके और फिर उसे बेचा जाता है। आप लोग कोई मॉल वगैरह जाते हो ना तो मॉल में देखा होगा वहाँ पे जो सब्जियाँ मिलती है ना, तो वो सब्जियाँ एकदम पैक थैलियों में मिलती हैं। कुछ मॉल में आपने देखा होगा, पता है वो मटर आते हैं, पीस आते हैं, जो मटर आप लोग खाते हो वो छीले हुए मटर है ना, एक पैक थैली में और रेफ्रिजरेटर में वहाँ मॉल्स वगैरह में रख देते हैं कि आपको चाहिए तो वहाँ से डायरेक्टली आप लोग ले सकते हो। देखे हैं कि नहीं? ये ध्यान होगा ना आप लोग को। तो ये जो होता है ना इसे स्टोरेज एंड पैकिंग मेथड कहते हैं। इसमें क्या किया जाता है, तो सबसे पहले उन सब्जियों को, उन फ्रूट्स को अच्छी तरह से साफ़ कर दिया जाता है, और वो साफ़ करने के बाद उसको एकदम एयर टाइट कंटेनर या तो एयर टाइट पॉलीथिन में पैक कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं उसे। ऐसी जगह पर स्टोर करते हैं कि जहाँ पे उनके अंदर ज़रा सी भी हवा न जाए। हवा न जाने की वजह से उनमें फिर बिल्कुल भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बीमारियाँ पैदा नहीं होती, वो फ्रेश रहते हैं। और उन्हें फिर स्टोरेज भी कहाँ किया जाता है, तो ठंडी जगह पर, रेफ्रिजरेटर वगैरह में उसे स्टोर किया जाता है कि जिससे वो हमेशा फ्रेश रहे, है ना, सही बात है। तो देखो फूड प्रिजर्वेशन की भी ये मेथड हमने देखी ना, कि अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से खाना ख़राब हो रहा है ना
तो उसे हम लोग ये अलग अलग मेथड से बचा सकते हैं। सही बात है। देखो, अब हमने ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फायदे और नुकसान दोनों देखे। अब एक दूसरा हम लोग चैप्टर का टॉपिक देखें। एक और छोटा सा टॉपिक है हमारे चैप्टर में, जो टॉपिक का नाम है नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड नाइट्रोजन साइकिल ये एक अलग से टॉपिक है कि देखो, एयर का जो नाइट्रोजन होता है ना, समझना है टॉपिक क्यों दिया हुआ है, किस वजह से दिया हुआ है। पता है, हवा में जो नाइट्रोजन होता है ना, वो हवा में नाइट्रोजन कितने प्रोपोर्शन में है, कितने प्रोपोर्शन में होता है? तो कहते हैं हवा का नाइट्रोजन हवा में जनरली 71% नाइट्रोजन है। कितना? 71% नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन का अगर आप लोग परसेंटेज देखो ना, तो हवा में ऑक्सीजन सिर्फ 29 के आसपास कुछ है ना, 28-29 इसके आसपास। और जो दूसरे हैं ना, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड या अदर गैसेस, हाइड्रोजन जैसे गैसेस, ये सब तो 0.1% के आसपास ही हैं, बहुत कम है, 1% भी नहीं है इनका तो पूरा। तो देखो, सबसे ज्यादा, इसका मतलब ये कहला है कि सबसे ज्यादा एटमोसफियर में वो नाइट्रोजन आया हुआ है। तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, लेकिन क्या इस नाइट्रोजन का हम लोग यूज करते हैं? कोई भी लिविंग थिंग क्या इस नाइट्रोजन का यूज करते हैं? नहीं करते ना। हम ह्यूमंस, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, बरोबर। या तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो इसमें नाइट्रोजन का यूज कहाँ? तो इतना सारा नाइट्रोजन हवा में वो किस काम का है? तो काम आता है, ज़रूर काम आता है, लेकिन ये नाइट्रोजन जो है वो कोई भी लिविंग थिंग डायरेक्टली यूज़ नहीं करता, इनडायरेक्टली यूज़ करते हैं। ये कैसे कैसे इनडायरेक्टली यूज़ होता है? तो वो यूज़ होता है इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। ये समझो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक और फ़ायदा है। हम लोग आज सब हार्मफुल उसके इफेक्ट देख रहे थे, लेकिन ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फायदा है एक। पता है, नेचर में राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया होते हैं, सुनना ध्यान से, कौन से? राइजोबियम बैक्टीरिया। याद हो तो आगे के स्टैंडर्ड में भी ये नाम आता था। राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया होते हैं कि ये बैक्टीरिया एटमोसफियर में जो नाइट्रोजन होता है ना, उस नाइट्रोजन को प्लांट्स तक पहुँचाने में हेल्प करते हैं, है ना। बीज हुए या कुछ दूसरे प्लांट्स हुए, केन प्लांट्स को नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। ये प्लांट्स अच्छी तरह से ग्रो करें ना, तो उनके लिए नाइट्रोजन की उन्हें ज़रूरत होती है। लेकिन ये नाइट्रोजन कहाँ से मिले? वो प्लांट्स तक नाइट्रोजन ले तो नहीं सकते, तो उन्हें है ना ये बैक्टेरियाज हेल्प करते हैं कि वो एटमोसफियर का जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन खुद लेकर और प्लांट्स तक पहुँचाते हैं। इस प्रोसेस को ही नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। लेकिन कैसे कैसे पहुंचाते हैं ये? तो पता है किस कैसे पहुंचाते हैं? तो जनरली एटमॉस्फेयर में, अब ये फोटो में देखो जैसे दिया हुआ है कि जनरली एटमॉस्फेयर में जब बारिश का मौसम होता है ना, और जब लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग मतलब जब बिजली आती है, तो उस बिजली की वजह से एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन क्रिएट होता है ज़्यादा, और वो नाइट्रोजन जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब के राइजोबियम जैसे बैक्टीरियाज उस लाइटनिंग के वक्त, सिर्फ उस बिजली के वक्त, वो नाइट्रोजन खुद लेकर और सॉइल में फिक्स करते हैं, जमीन में वो फिक्स करते हैं। ये प्रोसेस नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाती है, बरोबर। और फिर वो जमीन में आया हुआ नाइट्रोजन वो कौन लेता है? तो वो ये प्लांट्स यूज करते हैं। सही बात है। और पता है, जो नेचर का जो नाइट्रोजन होता है ना, ये नाइट्रोजन हमेशा सेम रहता है, एक साइकिल की तरह। ये नाइट्रोजन, नेचर का नाइट्रोजन हमारे यहाँ पर मिक्स होता है, सॉइल में मिक्स होता है, और वहाँ से फिर से वो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन चला जाता है। कैसे होता है? तो ये नाइट्रोजन साइकिल में हम लोग समझें कि कैसे ये नाइट्रोजन साइकिल चलती है। जैसे बताया कि एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का प्रोपोर्शन है। नाइट्रोजन हर एक को चाहिए, लेकिन कोई भी डायरेक्टली यूज़ नहीं करता, इनडायरेक्टली यूज़ करता है।
तो सबसे पहले कैसे होता है कि एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन होता है ना, यहाँ फर्स्ट स्टेप में देखना कि जो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन होता है ना, वो ये लाइटनिंग के वक्त, मतलब जब बिजली होती है उसके वक्त, ये जो बैक्टेरियाज होते हैं ना, राइजोबियम नाम के बैक्टेरियाज, ये बैक्टेरियाज उस नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर में से सॉइल में फिक्स करते हैं। ये प्रोसेस कहलाती है नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस। एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन है वो जमीन में फिक्स हो जाना, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाया। फिर ये जो नाइट्रोजन होता है ना जमीन में, वो नाइट्रोजन वो जमीन में आए हुए पानी के साथ, या कहो हाइड्रोजन के साथ मिक्स होता है। हाइड्रोजन के साथ मिक्स होता है कि वो जिससे फिर NH3 बनाता है ना, NH3 या फिर NH4। ये प्रोसेस को एमोनिफिकेशन प्रोसेस कहते हैं। ये जो केमिकल्स होते हैं ना NH3, ये एमोनिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये एमोनिया। तो उन नाइट्रोजन का फिर ये एमोनिया बनता है, जिसे कहते हैं एमोनिफिकेशन प्रोसेस। फिर वो जो नाइट्रोजन हुआ, ये जो एमोनिया हुआ, वो एमोनिया फिर इस प्लांट्स को मिलता है, मतलब प्लांट्स की ग्रोथ के लिए ये एमोनिया ज़रूरी है, उन्हें ये मिलता है। उसके बाद उनके बाद फिर ये जो नाइट्रोजन है वो दूसरा ऑक्सीजन के साथ मिक्स होता है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड या तो फिर नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड बनाता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, शॉर्ट में कहो कि भाई वो ऑक्सीजन के साथ मिक्स होता है ये नाइट्रोजन, और वो भी फिर प्लांट्स के साथ जाता है ना, प्लांट्स के साथ वो जाता है कि जिससे वो प्लांट्स में जब नाइट्रोजन जाए ना, तो उस प्लांट्स को फिर हम ह्यूमंस खाते हैं, तो वो नाइट्रोजन हमारे अंदर भी आता है। मतलब हमारे तक भी ये नाइट्रोजन पहुंचता है, लेकिन डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली नाइट्रोजन हमारे अंदर आता है ना। पहले शॉर्ट में समझो तो पहले बैक्टीरियाज होते हैं, वो उस नाइट्रोजन को जमीन में मिक्स करते हैं, जमीन से वो नाइट्रोजन जाता है प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स को फिर हम लोग खाते हैं, हम लोग खाते हैं तो वो प्लांट्स में से नाइट्रोजन आया फिर हमारे अंदर। तो ये पूरी एक प्रोसेस चली ना। फिर ये प्लांट्स या एनिमल्स की जब डेथ होती है ना, प्लांट्स और एनिमल्स की जब डेथ हुई, तो फिर वही छोटे छोटे जो बैक्टीरियाज होते हैं ना, वो उन डेड बॉडी में से, सुनना ध्यान से, कि उन डेड बॉडी में से वो नाइट्रोजन फिर से निकाल कर और एटमोसफियर में मिक्स कर देते हैं, है ना। जब प्लांट्स एनिमल्स की डेथ होती है, तो आगे हमने देखा था ना, छोटे छोटे डीकम्पोजर्स होते हैं। डीकम्पोजर्स मतलब जब प्लांट्स की डेड बॉडीज में से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, तो प्लांट्स और एनिमल्स की डेड बॉडीज में से वो नाइट्रोजन अलग कर देते हैं और फिर से एटमॉस्फेयर में मिक्स कर देते हैं। इस प्रोसेस को डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं उस प्रोसेस को? डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस। कि जो नेचर का नाइट्रोजन आया ना, वो फिर से नेचर में मिक्स हो गया। सही बात ना, कि इस तरह से यहाँ से नाइट्रोजन, नेचर का नाइट्रोजन यहाँ पर आता है अर्थ पे, और अर्थ से फिर से वो नेचर में चला जाता है। तो इस तरह से ये नाइट्रोजन साइकिल कंटिन्यूसली चलती रहती है। और ये नाइट्रोजन साइकिल में सबसे ज़्यादा किसने हेल्प की? तो वही छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने हेल्प की, है कि नहीं, है ना। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने ये हेल्प दी ना इसमें। तो इस तरह से ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये नेचर को बचाने के लिए भी बहुत ज़रूरी है, यहाँ भी हेल्प करते हैं ये, बरोबर। तो देखो, हमने ये चैप्टर जैसे कंप्लीट किया ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की दोस्ती दुश्मनी दोनों हमने देखी। अब ऐसे ही साइंस के दूसरे चैप्टर्स हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।